ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। धर्मशाला में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व सैनिक संगठन के राष्ट्रीय प्रभारी एवं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के ऑब्जर्वर प्रवीण डावर ने कहा कि पूर्व सैनिक वन रैंक वन पेंशन को लेकर मोदी के नाम पर वोट न दें। वन रैंक वन पेंशन लागू हुआ ही नहीं जिसका प्रधानमंत्री प्रचार करते हैं। पूर्व सैनिक संगठन के राष्ट्रीय प्रभारी एवं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के ऑब्जर्वर प्रवीण डावर ने धर्मशाला में पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि सैनिकों को जो लाभ मिलने थे वे यूपीए 1 और यूपीए 2 के ही समय मिल गए थे। उन्होंने कहा कि सैन्य अधिकारियों को 1984 के समय मुफ्त राशन दिया जाता था, वो मोदी सरकार ने बंद कर दिया है, लेकिन कांग्रेस ने इस मामले को तूल नहीं दिया। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु सैम पित्रोदा के 1984 सिख दंगों में दिए गए बयान पर पूछे सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सैम पित्रोदा ने हिंदी भाषा में कम ज्ञान होने के चलते ऐसा बयान दिया है, लेकिन उन्होंने अपनी गलती मान ली है, लेकिन भाजपा अब इसे तूल दे रही है। उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा प्रोपोगंडा करने में माहिर है और उनको झूठ सिखाने की फैक्ट्री नागपुर में है। उन्होंने कहा कि भाजपा ये गलत प्रचार कर रही है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में आईफा एक्ट को खत्म करने की बात कही गई है, जबकि घोषणा पत्र में लोगों के हितों को देखते हुए उसमें हल्का संशोधन करने की बात जरूर कही गई है। ये था कि जो हमारे पूर्व सैनिक हैं वो कांग्रेस को वोट दें इसलिए क्योंकि मोदी जी ने झूठ बोला है कि वो वन रैंक वन पेंशन दे दिया है। उन्होंने वन रैंक वन पेंशन नहीं दिया है और आज भी आप किसी भी सिपाही के पास जाते हैं, किसी अफसर के पास चले जाते हैं, जेसीओ के पास चले जाते हैं, वो कहेंगे कि हमें वन रैंक वन पेंशन नहीं मिल रहा और हमारी पेंशन में और जो आज रिटायरी है उनकी पेंशन में 4,000 से लेकर 10,000 का अंतर है, तो वन रैंक वन पेंशन नहीं मिला और प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। अगर उनके पास पैसा नहीं है तो साफ कह दे कि भैया मैंने अभी इतना कर दिया है, बाकी मैं बाद में कभी कर दूंगा, लेकिन ऐसा कहना प्रधानमंत्री के लिए सरासर गलत है। तो आप किस तरह लोगों के बीच जा रहे हैं, पूर्व सैनिकों के बीच जा रहे हैं कि ताकि वो आपसे जुड़ सकें और आपकी इस बात को? पूर्व सैनिक जो है हमारे साथ दो कारणों की वजह से जुड़ा है। एक जो मैंने अभी बताया कि वन रैंक वन पेंशन मोदी जी ने नहीं दिया है, लेकिन जितना भी उनको मिल रहा है, आज जितना भी मिल रहा है उसका 70% यूपीए 1 और यूपीए 2 ने पहले ही दे दिया। मोदी जी ने आके 20% और कर दिया, 90% हो गया ना। आज जो है 10% का फर्क है। अब मैं लोगों को याद दिला रहा हूं कि भाई मोदी जी ने जो आपको दिया है वो केवल 20% है, 70% तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार ने दे दिया है। तो ये मैं उनको, लोग भूल जाते हैं। उसी तरह से जो हमारे अधिकारी हैं, जो ऑफिसर्स हैं, मैं उनको ये भी याद दिलाता हूं कि 1984 में हमने उनको फ्री राशन दिलाए जो ऑफिसर्स को पहले नहीं मिलते थे। मोदी सरकार ने आज वो बंद कर दिए, लेकिन उसका हम विरोध इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि अब वेतन बहुत अच्छे हो गए हैं। लेकिन इंदिरा जी ने और उसके बाद राजीव जी ने फौजी ऑफिसर्स को फ्री राशन दिए जो पहले कभी नहीं था। तो फौजियों के लिए और जो ECHS की स्कीम है फ्री मेडिकल, वो हमने दी है। और प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर जाके आपको किसी भी कैसी खराब से खराब भयानक से भयानक बीमारी हो आप अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। ये भी यूपीए की देन है, ये बहुत बड़ी देन है। और मालूम है आपको यूपीए 2 का जब यूपीए 2 गई और यूपीए 1 2014 तक देख लीजिए, उसके बाद जो है जो एवरेज लिविंग एज है, एवरेज एज है, वो बढ़ गई है जेसीओ और अदर रैंक्स की सर, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज में इतना ज्यादा इम्प्रूवमेंट आ गया है। तो ये भी हमारी यूपीए 1 और यूपीए 2 की देन है सर। अब आगे और भी अच्छा हो रहा है, भाई फैसिलिटीज तो बढ़ेंगी। पित्रोदा के जो बयान को आप कैसे लेते हैं, उन्होंने 1984 को आप किस तरह देखते हैं? पित्रोदा जी ने तो माफी मांग ली है, मतलब भयंकर कुछ ऐसा शब्द था जो वो नहीं बोल पाए, ट्रांसलेशन में उसका मुश्किल थी, लेकिन उनका जो भी व्यू था वो ऑफिशियल व्यू नहीं है कांग्रेस का। सर आप आर्मी से रिटायर्ड हैं, कैप्टन रहे हैं, एक आपके घोषणा पत्र पर पूरा बवाल मचा हुआ है, भाजपा उसका फायदा भी उठा रही है कि जो आर्मी एक्ट है उस पर बदलाव किया जाएगा या उसको हटा दिया जाएगा, उसको आप किस तरह देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी प्रोपेगेंडा में बहुत तेज है, झूठ बोलना इनको सिखाया जाता है नागपुर में। मेरे पास ये है मैनिफेस्टो, इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है
कि हम इसको हटा रहे हैं, हमने केवल यही कहा है कि इस एक्ट के अंदर हम थोड़ा बहुत संशोधन करेंगे, थोड़ी अमेंडमेंट्स लाएंगे ताकि लोगों को कोई तकलीफ ना हो और इसका मिसयूज ना हो। हमने ये नहीं कहा है कि हम इस एक्ट को बिल्कुल हटाएंगे। अब